Very good morning to all. So students, as we are already covered with all the syllabus for F&B subject, so this is a revision lecture for French classical menu with accompaniments and covers. So our first course is others, जिसे हम English में appetizers बोलते हैं, ठीक है, या starters बोलते हैं. So items, जितनी भी salad की items हैं, first column में, first box में you can see salad fish, meat cut, meat salad, cucumber salad, andaluz. Andaluz एक Andalusian, andaluz salad का नाम Andalusian से पड़ा है, जो basically एक Spanish salad है, जो tomato, onion, pepper, इन सब चीजों को mix करके जो है वो बनता है, ठीक है. Accompaniments, mayonnaise और vinaigre. Table set of fish knife, fish float, fork and fish plate. Wherever it is written fish plate, you can refer it to as a dinner plate. Next items are fish, anchovies, herring, smoked dill. Now, what are fish, anchovies? Fish, anchovies, herring, smoked dill. ये fish की type है. Anchovy जो है small fish होती है. It is from the angulad family of fish. इसमें accompaniments जाएंगे. It depends upon the type. And if talking about the herring fish, I'll just give you a brief. Herring जो है वो clupate family से है fish की. Okay, fish की types हैं. Table set of fish knife, fish fork, fish plate. Refer fish plate to dinner plate. Okay. Next is asparagus. Asparagus अगर hot serve करेंगे तो melted butter, cold serve करेंगे तो mayonnaise. Table setup. Asparagus tong right hand side पे, joint fork right hand side पे. Next item avocado, जिसमें vinaigrette जाएगा. Okay. Three part vinaigrette dressing कैसे बनती? Three part soil, one part vinegar से. Brown bread and butter optional है. Table setup में side knife, desert fork, cold fish plate. सेकेंड कोर्स इज पोतास, जिसको इंग्लिश में सूप बोलते हैं. सो फर्स्ट इज आपका कंसोमे सूप. यू मस्ट हैव मेड दिस सूप इन द फूड प्रोडक्शन. सो वेरी थिन सूप. आई जस्ट टेल यू कि थोड़ा सा क्या होता है. क्लियर सूप होता है, टाइप ऑफ क्लियर सूप, जिसे हम स्टॉक से बनाते हैं, ठीक है. दैट हैज बीन क्लैरिफाइड, इजी एग्जाम्पल, ठीक है. एंड वी यूज सो टेबल सेटअप में इसका कंसोमे कप, सॉसर, हाफ प्लेट, टू स्पून. नेक्स्ट इज पैते मामेट. सो पैती मामेट में इफ यू सी इट इज ऑल्सो अ सूप, ओके, जिसको हम अर्धन में पॉट के अंदर सर्व करते हैं. बेसिकली पैती मामेट का मतलब ही है फ्रेंच में लिटल कुकिंग पॉट, ठीक है, जो कि वेजिटेबल से बनता है, सीजनिंग से बनता है. सो टेबल सेटअप अगेन, मैंने अभी अर्थनवेयर बोला, अर्थनवेयर डिश कॉल्ड पैती मामेट डिश, डॉली सूप स्पून. कंप्लीमेंट्स ग्रेटेड पार्मेसन, पोस्ट बोन मैरो, ग्रिल्ड फ्रूट्स. सो ग्रिल्ड फ्रूट एक फ्रेंच ब्रेड है, ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रेंच ब्रेड. दिस यू हैव मस्ट मेड इन योर बेकरी, और यहाँ आप आगे जाके बनाओगे, ठीक है. थिन लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड होती है, जो कि 5 से 6 सेंटीमीटर की होती है और लेंथ 65 सेंटीमीटर की होती है. इट इज अ ब्रेड. नेक्स्ट इज योर मिनेस्ट्रोनी सूप. सो मिनेस्ट्रोनी इज ऑल्सो अ सूप, एज यू नो, जो कि वेजीज, पास्ता, हर्ब्स, इन सब से बनता है. अकॉम्पनीमेंट ग्रेटेड पार्मेसन, ग्रिल फ्लूट्स. एंड टेबल सेटअप इज सूप स्पून, सूप प्लेट, अंडर प्लेट या अंडरलाइनर. नेक्स्ट इज पोतास सेंट जर्मन या पैते क्रेमदे, जिसको हम सेंट जर्मन को फ्रेश पी सूप भी बोलते हैं. इट इज ग्रीन इन कलर, आपको पता है, ठीक है. मिंटेड प्री एंड लेट्यू सूप बेसिकली जो इसका वो बेस है. अकॉम्पनीमेंट्स क्रूटॉन्स, जो कि ब्रेड से बनते हैं, ओके, यू नो क्रूटॉन्स क्या होते हैं. सो इसका जो टेबल सेट है वो भी सूप स्पून, सूप प्लेट, अंडर प्लेट रहेगा, ठीक है. क्रूटॉन आपको पता है कि ब्रेड के पीस से बनता है, रीबेक करके, सौते करके, क्यूब्स में काटते हैं हम उसको, ओके. थर्ड कोर्स इज अफ, और इंग्लिश में से एग्स बोलते हैं. फर्स्ट आइटम इज अफ सरलापला, मतलब एग ऑन द डिश. टेबल सेटअप में सरलापला, जो एक स्पेसिफिक डिश होती है, वो जाएगा अंडर प्लेट, डेजर्ट स्पून, डेजर्ट फोक एंड डेजर्ट डिश साइड नाइफ. सेकेंड आइटम इज अफ एंड कोकोत. एंड कोकोत को इंग्लिश में हम बोलते हैं कैसरोल, CASSEROLE. सो कैसरोल बेसिकली एक लार्ज या डीप पैन है, जिसे हम ओवन में यूज करते हैं और सर्विंग वेसल में भी यूज करते हैं. इट इज बेसिकली अ पैन. एग ऑन कैसरोल, ये अफ एंड कोकोत का मतलब है. You just have to remember the items name and table setup and accompaniments. Okay. Table set में cocotte dish, under plate teaspoon. Third item is omelettes. Omelette के साथ you can give
हैश ब्राउन पोटैटो, ग्रिल्ड टमाटो एंड टेबल सेटअप विल बी हॉट फिश प्लेट, स्मॉल फोक एंड स्मॉल नाइफ। फोर्थ कोर्स इज फेरिने। फेरिने का इंग्लिश में मीनिंग है पास्ता एंड राइस डिशेज। आइटम्स है स्पेगेटी और कोई भी टाइप का पास्ता। इसका कंप्लीमेंट्स रहेगा ग्रेटेड पार्मेसन चीज। स्पेगेटी के केस में टेबल सेटअप रहेगा हॉट सूप प्लेट विद अंडर प्लेट, ज्वाइंट फ्लोक प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ द कवर एंड डेजर्ट स्पून ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बाकी के पास्ताज में कंप्लीमेंट सेम है, टेबल सेटअप उनका अलग है, हाफ प्लेट, डेजर्ट फोक एंड डेजर्ट स्पून। नेक्स्ट इज पोजो। पोजो का मतलब है फिश, फिश की डिशेज। स्टूडेंट्स मैं आपको ये कंप्लीमेंट्स और टेबल सेटअप साथ साथ में इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट कि आपको डाउट ना हो, क्योंकि सिलेबस में जो है इनको अलग अलग बोलने लाइक यू नो इसका अलग अलग बनाया गया है इसका प्रोविजन, बट मैंने इनको कंबाइन किया है सो दैट आपको पता रहे एक टेबल के अनुसार कि फिश है वो किसका कंप्लीमेंट है, इसका टेबल सेटअप ये है। सबका कंप्लीमेंट्स फिश की डिशेज में सेम है, फिश प्लेट, फिश नाइफ, फिश फोक। दो तरह की, तीन तरह की आप फिश पढ़ लो, फ्राइड फिश, डीप फ्राइड फिश, ओके, और कोल्ड पिच, कोल्ड पोस्ट। टेबल सेटअप इज सेम। अब फ्राइड फिश का कंप्लीमेंट है टार्टर सॉस, हॉलैंडाइज सॉस और लेमन सेगमेंट्स, इनमें से कोई भी हो सकता है। डीप फ्राइड फिश का टोमेटो सॉस, लेमन सेगमेंट्स, लेमन सेगमेंट सब में कॉमन है, ओके। कोल्ड पोस्ट फिश का है मेयोनीज या उसका डेरिवेटिव और लेमन सेगमेंट्स। नेक्स्ट इज आंत्रे। सो आंत्रे का जो फर्स्ट आइटम है इज पॉले सौते चेशायर, ओके। पॉले सौते चेशायर इज बेबी चिकन, पॉले इज बेबी चिकन, ओके, और पॉले इज बेबी एंड चेशायर इज चिकन, पॉले सौते चेशायर, सौतेड बेबी चिकन। टेबल सेटअप में है हाफ प्लेट, स्मॉल फोक, स्मॉल नाइफ। दूसरा कंपनीमेंट, दूसरा इसका डिश है लैम चॉप, चॉप दे ऑग्नो। कोई कंपनीमेंट नहीं है दोनों में, टेबल सेटअप है हाफ प्लेट, स्मॉल फोक, स्मॉल नाइफ। टेबल सेटअप दोनों में सेम है, इफ यू कैन सी। नेक्स्ट कम्स शोरबे। शोरबे बेसिकली इट इज अ रेस्ट बिटवीन द मील्स, आपको पता है, ठीक है। इसमें क्या क्या जा सकता है, फ्लेवर आइस, नो, दोनों का कंप्लीमेंट कोई नहीं है। टेबल सेटअप में स्मॉल गॉबलेट, गॉबलेट ग्लास है, यू नो, अंडरलाइनर एंड टीस्पून। सिगरेट, सिगार भी जा सकते हैं। टेबल सेटअप में कुछ नहीं देना, यू हैव टू जस्ट गिव अ एस्ट्रे, ओके। बट अ कंडीशन इज अप्लाइड ऑन टू इट, अगर वो टेबल आउटसाइड में है जहां पे स्मोकिंग एरिया है तो आपने वहां पे सिगार एस्ट्रे या सिगरेट एस्ट्रे देना है, ओके। अगर वो स्मोकिंग एरिया में नहीं है तो आपने टेबल सेटअप में कुछ नहीं देना। नेक्स्ट इज रेलेवे। सो रेलेवे, ओके, रेलेवे का इंग्लिश में मीनिंग है जॉइंट्स, ओके, और आइटम्स हैं बॉइल्ड मटन, इसका कंप्लीमेंट्स है केपर सॉस, ठीक है, और टेबल सेटअप में जाएगा लार्ज प्लेट, लार्ज नाइफ, लार्ज फोक। सो इफ यू कैन सी मोस्ट ऑफ द कोर्सेज का टेबल सेटअप जो है वो सेम ही है, ओके। सो केपर सॉस बेसिकली लेमन का केपर सॉस होता है, ओके, बटर सॉस है इसमें, इसको समर सेवरी के साथ फ्लेवर किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सॉल्ट बीफ। अकम्पनीमेंट्स है इसका टर्न रूट वेजिटेबल्स, डम्पलिंग्स, नेचुरल कुकिंग लिक्योर, ओके, कुकिंग लिक्योर भी होता है जिसमें थोड़ा सा एल्कोहल रहता है। टेबल सेटअप में सेम। थर्ड आइटम इज बॉइल्ड फ्रेश बीफ, सेम एज यू कैन सी, सेम अकम्पनीमेंट है, टर्न रूट वेजिटेबल्स सेम है, कुकिंग लीकर सेम है, रॉक सॉल्ट और गर्किन्स जो है वो जो है वो डिफरेंस है एक अकम्पनीमेंट्स का, ओके। सो गर्किन्स के बारे में भी आपको सबको पता है कि इट इज कॉल्ड एज इन हिंदी इसको बोलते हैं ककड़ी अचार, ओके, खीरा यू कैन से कि गर्कड़ी अचार। हम आयरलैंड साउथ अफ्रीका में गर्किन्स बोलते हैं और पिकल्ड ककंबर बोलते हैं यूएस और कनाडा की साइड में, तो ये डिफरेंस है, ओके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम्स रोते और रोते, ओके, रोते और रोस्ट आइटम्स, इंग्लिश में रोस्ट आइटम्स बोलते हैं। आइटम्स है रोस्ट बीफ, अकम्पनीमेंट्स विल बी हॉर्स रेडिश सॉस, मस्टर्ड, यॉर्कशायर पडिंग, और टेबल सेटअप सेम रहेगा, लार्ज प्लेट, लार्ज नाइफ एंड लार्ज फोक। बेसिकली जो हॉर्स रेडिश है आपको पता होगा कि ये एक प्लांट है जो कि फैमिली ब्रैसिके से आता है। ब्रैसिके की फैमिली के कौन कौन है, ब्रोकली, कैबेज, रेडिश। सो बेसिकली ये भी एक हॉर्स रेडिश भी एक रूट वेजिटेबल है जिसे हम एज ए स्पाइस यूज करते हैं और कॉन्डिमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रोस्ट मटन, रेड करंट जेली, अनियन सॉस, ओके, एंड टेबल सेटअप इज सेम।
नेक्स्ट इज रोस्ट पोक। ऊपर एक वर्ड था रेड करंट, रेड करंट मैं आपको बता रहा था क्या होता है। रेड करंट जेली, रेड करंट सॉस में क्या क्या जाता है, रेड करंट जाते हैं, शुगर जाता है, रोजमेरी जाती है, तीनों को मिक्स करके उन्हें एक ब्लेंड करके एक सॉस बनाई जाती है, रेड करंट जेली की तरह होती है, जेली ही होती है बेसिकली। ओके थर्ड इज रोस्ट पोक, जिसको हम पोर रोते बोलते हैं। सागे एंड अनियन स्टफिंग जाएगा, एप्पल सॉस जाएगा, रोज ग्रेवी जाएगा, टेबल सेटअप सेम। नेक्स्ट इज रोस्ट चिकन, जिसमें पार्सले, ब्रेड सॉस और थाइम जाते हैं। 10th कोर्स इज लेग्यूमे, लेग्यूमे को वेजिटेबल बोलते हैं इंग्लिश में। एस्पेरेगस के साथ अगर हॉट है तो मेल्टेड बटर है, कोल्ड है तो विनेग्रे है, आपको पता है। ये हमारा फर्स्ट कोर्स में भी था। सो देर आर सम आइटम्स जो लेग्यूमे और फर्स्ट अदर्स की दे कैन बी सिमिलर, कुछ आइटम्स। ओके बिकॉज हम फर्स्ट कोर्स में भी वेजिटेबल सर्व कर सकते हैं, सैलेड सर्व कर सकते हैं। टेबल सेटअप में ज्वाइंट फ्लो सेम, ज्वाइंट फ्लो प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड, एस्पेरेगस स्टॉक ऑन द राइट, अवोकाडो, विनेग्रे, ब्राउन ब्रेड एंड बटर और पीरे दी पॉम्स, ये ऑप्शनल है, ये तीसरा है आपका, इसमें हाफ प्लेट, स्मॉल नाइफ, स्मॉल फोक जाएगा। नेक्स्ट इज सलादे, सो इंग्लिश में सैलेड बोलते हैं, किसी भी सैलेड के साथ कोई अकम्पनीमेंट नहीं जाता क्योंकि वो खुद में ही एक यू कैन से अकम्पनीमेंट है, सैलेड के साथ ड्रेसिंग जाती है। ओके बट अकम्पनीमेंट ऐसा सच नहीं आता, ड्रेसिंग में विनेग्रेट ड्रेसिंग, फ्रेंच ड्रेसिंग, लेमन ड्रेसिंग, कोई भी ड्रेसिंग जा सकती है। ओके सो रशियन सैलेड, सैलेड बोलते हंग्राई सैलेड एंड मिमोसा सैलेड। सो रशियन सैलेड के बारे में आप सबको पता, सैलेड होते के बारे में आपको पता, सो हैंग रॉयस सैलेड के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपने फूड प्रोडक्शन में वैसे पढ़ा होगा कि बेसिकली ये एक सैलेड है जिसके फोर मतलब कि तो इसमें आइसबर्ग जाते हैं, टमाटर जाते हैं, चिली जाती है, ठीक है, इसमें अपना शू रॉक जाता है, फ्यूम जाता है, ये सब चीजें जाती हैं इसमें, ठीक है। टमाटो आइसबर्ग इसका मेन है, टमाटो आइसबर्ग, ठीक है, ब्रांच टाइप हंगराई, ये सब चीजें आते हैं। मिमोसा सैलेड सबका टेबल सेटअप सेम रहेगा, हाफ प्लेट, स्मॉल नाइफ, स्मॉल फोर्क। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके फॉर दिस यू जस्ट नीड टू स्टडी थ्री आइटम्स और उनके टेबल सेटअप, अकम्पनीमेंट्स और टेबल सेटअप बहुत आइटम्स के, बहुत डिशेस के मैच हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट इज बफे फ्राई, इंग्लिश में कोल्ड बफे बोलते हैं। जैम्बन जिसको हैम बोलते हैं, उसका टेबल सेटअप दोनों का सेम है, स्मॉल प्लेट, हाफ प्लेट, स्मॉल नाइफ, स्मॉल फोर्क। और दूसरा है जैलेंटाइन, अकम्पनीमेंट किसका है, एस्पिक जेली, और टेबल सेटअप इज हाफ प्लेट, स्मॉल नाइफ एंड स्मॉल फोर्क। वैलेंटाइन जो है वो एक डिश है व्हाइट मीट या फिश बोन्ड की, ठीक है, इन्हें कुक किया जाता है, प्रेस्ड किया जाता है और उसके बाद सर्व किया जाता है ठंडा एस्टिक जली के साथ एज ए अकम्पनीमेंट। ओके सो फ्रेंच डिश है डी बोन्ड स्टफ मीट की, दिस इज कॉल्ड जेलेटिन। 13th कोर्स इज एंट्रे में, इंग्लिश में स्वीट्स, क्रेप सुजे। अब क्रेप सुजे बेसिकली एक फ्रेंच डेजर्ट है जिसमें क्रेप होते हैं, बुरे सुजे होता है, ठीक है, इसमें कैरामलाइज सॉस डाली जाती है जो कि शुगर बटर से बनती है, ऑरेंज जूस यूज होता है, ऑरेंज का जेस्ट यूज होता है, ट्रिपल सेक सिरप यूज होता है। ओके सो बेसिकली फ्रेंच डेजर्ट है ये। ओके टेबल सेटअप सेम है ऑलमोस्ट, हॉट स्वीट प्लेट, डेजर्ट स्पून, डेजर्ट फोक। नेक्स्ट इज पीच फ्लम्बे, इसमें कैस्टर शुगर जाएगा, स्ट्रॉबेरी रोमनॉफ में कैस्टर शुगर जाएगा एंड टेबल सेटअप विल बी सेम। नेक्स्ट इज फ्रोमाज, जिसको इंग्लिश में चीज बोलते हैं। पांच तरह की चीज है यहाँ पे, फ्रेश, सॉफ्ट, सेमी हार्ड, हार्ड और ब्लू चीज। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो ट्राई टू स्टडी अबाउट मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज, दिस इज ऑल्सो यू कैन से योर असाइनमेंट। तो आपको आपका ये असाइनमेंट भी है, यू हैव टू लर्न और यू हैव टू रीड आउट अबाउट द मोर चीज एंड कंट्री नेम। टेबल सेटअप सबका सेम है, साइड प्लेट, साइड नाइफ, चीज बोर्ड, चीज नाइफ और चीज ट्रे, क्योंकि चीज बोर्ड के ऊपर चीज रख के काटेंगे, चीज नाइफ के साथ गेस्ट उसको काटेगा, चीज ट्रे में वो रखा जाएगा। ओके डेजर्ट फोक चाहिए, साइड नाइफ चाहिए, साइड प्लेट चाहिए और सबकी कंप्लीमेंट सेम है, सीजनिंग्स, बटर, सेलरी, रेडिश, चीज बिस्किट्स, असॉर्टेड ब्रेड, कास्टर शुगर। 15th कोर्स इज सेवरी, इंग्लिश में सेवरी बोलते हैं। फर्स्ट डिश इज वेल्श रेयरबिट, वेल्श रेयरबिट बेसिकली वेल्श की एक ट्रेडिशनल डिश है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, अनसॉल्टेड बटर डालते हैं, ऑल पर्पज फ्लोर डालते हैं, डब्ल्यू सी सॉस, वर्शेस्टर शायर सॉस जाती है इसमें, शेडार चीज जाता है, ठीक है, हैवी क्रीम, ब्लैक पेपर,
राई ब्रेड, इन सबको मिला के ये डिश बनती है। ओके okay? तो अकम्पनीमेंट्स, बेसिकली सेवरी जो है उसका मतलब होता है हैविंग अ टेस्ट दैट इज नॉट स्वीट, तो स्वीट नंबर थोड़ा सॉल्टी हो टेस्ट। ओके टेबल सेटअप सेम है, फिश प्लेट, फ्राइड नाइफ, डेजर्ट फोर्क, अकम्पनीमेंट सॉल्ट, पेपर, चाइनी पेपर, पेपर मिल, डब्ल्यूसी। चाइनी पेपर इज योर रेड मिर्च, लाल मिर्च। सेकंड इज ट्यूना ऑन टोस्ट, नेक्स्ट इज एंजल्स ऑन हॉर्स बैक, फोर्थ इज डेविल्स ऑन हॉर्स बैक। एंजल्स ऑफ हॉर्स बैक है वो ओइस्टर से बनती है जिन्हें बेकन में रैप किया जाता है। ओके और जो आपका डेविल्स ऑन हॉर्स बैक है उसमें ये डिफरेंस है कि जो ओइस्टर्स है उनको ड्राइड फ्रूट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, उनकी जगह ड्राई फ्रूट आ गया और बेकन के अंदर रैप कर दिया। सो कॉम्प्लीमेंट्स ऑल आर सेम। 16th कोर्स इज डेजर्ट, आइटम्स हैं फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट प्लेटर हो सकता है फ्रेश या कट, या ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं। अकम्पनीमेंट कास्टर शुगर फ्रूट्स के लिए और नट्स के लिए सॉल्ट। टेबल सेटअप में फ्रूट प्लेट, फ्रूट नाइफ, फ्रूट फोक जाएगा, दो फिंगर बोल चाहिए ल्यूकवार्म वाटर के लिए अपनी फिंगर्स धोने के लिए ग्रेस की, और कोल्ड वाटर फॉर रिंसिंग ग्रेप्स अगर आ गए तो उन्हें धोने के लिए कोल्ड वाटर, नट क्रैकर अगर नट्स हैं मतलब होल नट्स हैं लाइक अखरोट, हाँ सो उनको क्रैक करने के लिए, नट को क्रैक करने के लिए उन्हें नट क्रैकर चाहिए, ग्रेप सीजर्स चाहिए ग्रेप्स कट करने के लिए, साइड पिस्ते चाहिए शेल्स एंड पील्स, शेल्स को एंड पील्स को रखने के लिए। ओके 17th इज बेवरेजेस, इसको इंग्लिश में बेवरेजेस ही बोलते हैं। आइटम्स है कॉफी जिसको कैफे बोलते हैं, टी को जिसमें दो बोलते हैं, और हॉट चॉकलेट कोल्ड कॉफी, कोई अकम्पनीमेंट नहीं है। टेबल सेटअप इज कॉफी में दैमीताश सॉसर कॉफी स्पून, टी में टी कप, टी सॉसर, टी स्पून, हॉट चॉकलेट कोल्ड चॉकलेट में डिपेंड्स, कोल्ड चॉकलेट में ग्लास के साथ जाएगा अंडरलाइनर, और टी स्पून इज ऑप्शनल। ओके और हॉट चॉकलेट में जाएगा, सॉरी टी स्पून जाएगा हॉट चॉकलेट में, अंडरलाइनर जाएगा और टी कप जाएगा, कोल्ड चॉकलेट में नहीं जाएगा, कोल्ड चॉकलेट में यू जस्ट गिव ग्लास एंड अंडरलाइनर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। सो दो द मेन्यू इन टूडेज यू को यू कैन से सिनेरियो इट इज लिमिटेड टू 11 कोर्सेज, बट स्टिल मैंने आपको 17 कराया सो दैट यू गेट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द कोर्सेज। इन केस यू हैव डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू टेलीफोन और व्हाट्सएप। अगेन थैंक यू सो मच।